जय हिंद माय ब्यूटीफुल सोल। आप सभी को मेरे से स्वागत है आप सभी के चैनल उम्मीद में। आप सब कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा। मैं अच्छी हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो पहले के टॉपिक से ही रिलेटेड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एंसेस्टर्स के ऑल्टर कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एंसेस्टर को ऑफरिंग में क्या देते हैं, क्योंकि हम ईच एंड एवरी एंजल सेंट्स जिनके भी ऑल्टर बनाते हैं उन्हें हम ऑफरिंग करते हैं चीजें। तो हम अपने एंसेस्टर को क्या ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफ कोर्स ऑफरिंग भी जरूरी है। तो क्या ऑफरिंग करें? सबसे पहले है कि कुक फूड। कुक फूड मतलब के आपको वो खाना घर पे ही बनाना है और वो खाना बाहर से लाना भी नहीं है। सेकेंड ऑफ थिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप जिस पतीले पे बना रहे हैं खाना वो पतीला बिल्कुल क्लीन हो। अगर जरूरत पड़े तो आप एक दो पतीला ऐसे अलग करके रख दे जहां पे आप एंसेस्टर के लिए खाना बनाए, और नहीं तो पॉसिबल नहीं है अगर तो आप एक काम कीजिए, जिस पतीले में बनाते हैं उस पतीले में ही खाना बनाइए। बट एक चीज आप प्रॉपर ध्यान रखिए कि उस पतीले में आपने कभी नॉनवेज ना बनाया हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आप अपने ही पतीले से उन्हें कुक फूड ऑर्डर मैंने ऑफर कर सकते हैं सॉरी, बट ये आपको ध्यान रखना है कि उस पतीले में आपने कभी नॉनवेज नहीं बनाया है। सेकेंड थिंग है वाटर, क्लीन वाटर कांच के ग्लास में। मैं बार बार कहती हूँ कोई भी मेटल आपको यूज नहीं करना है, स्टील नहीं, पीतल नहीं, तांबा नहीं, लोहा नहीं, कुछ भी नहीं। जस्ट आपको यूज करना है कांच का ग्लास, सिंपल क्लीन वाटर, दैट्स ऑल। थर्ड है आप फ्लावर, उनके पसंद का फ्लावर आप उन्हें ऑफर कर सकते हो, या आपको जो फ्लावर पसंद है वो ऑफर कर सकते हैं अपने एंसेस्टर को, ताकि वो उस चीज से हैप्पी फील कर सके। नेक्स्ट है कैंडल लाइट कर सकते हैं वहां पे, आप कैंडल जला सकते हैं। व्हाइट कलर का कैंडल ज्यादा प्रेफरेबल होता है, अदरवाइज आप ऑफ व्हाइट कलर, क्रीम कलर, लाइट येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, ये कुछ कैंडल्स के कलर है जो आप चला सकते हैं, बट व्हाइट ज्यादा बेटर होता है, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल भी है, जो कि मार्केट में जो नॉर्मल क्लियर कलर जो होता है ना, प्रॉपर व्हाइट ना भी अगर क्लियर कलर का जो कैंडल होता है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट, आप उन्हें फ्रेश फ्रूट ऑफर कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट आप कट करके उन्हें ऑफर कीजिए, बट आप ख्याल रखिएगा जब फ्रेश फ्रूट कट करके उन्हें ऑफर कर रहे हैं सो वो जो फ्रूट है वो क्लियर रहे, आप इतने देर तक मत छोड़ दीजिए कि वो बनाना जो होता है ना उस पर वो ब्लैक ब्लैक मार्क्स आ जाए, वो ब्लैक हो जाए। एप्पल अगर ऑफर करते तो एप्पल बहुत जल्दी अपना रंग बदल लेता है। सो अगर आप चाहें तो उन्हें जो होल फ्रूट होता है तो आप उन्हें पूरा ऑफर कर सकते हैं बिना कट किए, और कट करके अगर ऑफर कर रहे हैं तो इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि एंसेस्टर भी हम जैसे ही है, घर के ही है, तो उनकी भी हेल्थ का, साफ सफाई का, उनकी जो पसंद नापसंद है, उनकी जो हम कहते हैं ना कि मिजाज का ख्याल रखना, ये सब कुछ करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो आपको इस चीज का भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट है उनके फेवरेट आइटम्स, उन्हें जो जो चीज पसंद थी ना अब वो चीज उन्हें ऑफर कर सकते हैं। अब वो कोई पर्सनल ज्वेलरी हो सकती है, कोई पर्सनल फूड हो सकता है सॉरी, तो आप उनका फेवरेट आइटम उन्हें ऑफर कर सकते हैं। और लास्ट मैं कहूंगी कि एंसेस्टर मनी आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि हम जब बड़े होते हैं हमारे जो एंसेस्टर तब हमारे साथ रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव हमें देते हैं, 5 रुपीज, 10 रुपीज, जब हम छोटे थे तो 1 रुपया, 2 रुपया, तो वैसे करके उन्हें एंसेस्टर मनी प्यार से, ऐसे कि जब होते हैं ना कि हमारे ग्रैंडपा ग्रैंडमॉम बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं ना तो वो बच्चों जैसे हो जाते हैं, तो उनके अंदर वो मैच्योरिटी जो होती है ना वो कहीं ना कहीं पे थोड़ी डाउन हो जाती है, वो बच्चों की तरह एक्ट करते हैं, चाइल्ड लाइक एक्ट करते हैं और हमें उन्हें संभालना पड़ता है। तो वैसे आप उन्हें बच्चे समझ के एंसेस्टर मनी गिफ्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं और ये सब उन्हें बहुत पसंद आएंगे और आप भी फील कर पाएंगे कि आप उनके बहुत ज्यादा क्लोज हो और आपने उन्हें वो ऑफर किया है जो उन्हें बहुत पसंद आया है। सो उम्मीद है मैंने बहुत क्लियरली आपको समझाया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको रिप्लाई जरूर मिले। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।